जो कुछ भी हो रहा है वो मुनासिब नहीं है, बस इतना मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान का जो एक उसका एक फेथ था, उसकी एक सोच है, वो एक बड़ा प्यारा इंसान है, वो एक बड़ा खूबसूरत इंसान है, एक बहुत खरी और सच्ची सोच रखने वाला आदमी है, मुल्क के लिए सोचता है, अपनी ज़ात के लिए उसने कभी नहीं सोचा। उसकी ये फ़र्ज़ वाहिद की जद्दोजहद है जिसमें लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हकीकतन ये जद्दोजहद इमरान खान की है। अकेला असम्बली में था 2002 की, तो उसके साथ ये ज़्यादती है, ग्रुप बंदी, धड़े बंदी, ये उस आदमी के साथ ज़्यादती है। और असद उमर साहब का फैसला हतमी है, और ये जो कहीं से इत्तलात आ रही है कि वो दोबारा कैबिनेट में जा रहे हैं, वो दोबारा कैबिनेट में नहीं जा रहे। शेख रशीद साहब को इन्हें मनाने पहुँचे थे, और ये ऐसी कोई बात नहीं, असद उमर साहब हतमी फैसला कर चुके हैं, वो वैसी पार्टी के लिए काम आएंगे, वो एसेट है पार्टी का, वो पार्टी का असासा है, वो पार्टी के लिए वो पार्टी के लिए ज़रूरी है, और वो ज़रूरी उनके लिए पार्टी है, तो वो बाहर रहकर भी काम कर रहे हैं और कर रहे हैं। इस बात पर मुझे दुख है कि क्या पूरी पार्लियामेंट में कोई रुकन असेंबली नहीं मिला जो हम मुशीर और माविन खसूसी लगा रहे हैं। ये मुझे एक ज़ाहिर है कि एक मुझे ज़ाती दुख है, इसलिए नहीं है कि पार्टी का, ये पार्लियामानी निज़ाम के लिए दुख है।